ओह माय गॉड सिद्धार्थ, तू कितना सालों के बाद यार, कहाँ था इतने दिनों तक? यू लुक लाइक अ मॉडल यार, ऑसम सीरियसली। यहीं पे सारी बात करेगा या अंदर भी बुलाएगा? ओह प्लीज कमिंग। एक्चुअली इतना सालों के बाद देखा तो हम तो चौंक ही गए। चल 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 बैठेगा, चल बैठ। सिद्धार्थ और बता कैसा है तू? तेरा तो कुछ आता पता ही नहीं, ना कोई फोन ना कोई खबर, तू तो मुझे भूल ही गया शायद। एक्चुअली खुद को तैयार कर रहा था मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की तैयारी। तू तो ऐसे भी मॉडल ही है। हथियार बनाने के लिए हर लोहे को पिघलना पड़ता है। वैसे तुम कैसे हो ये बताओ? मैं ठीक हूँ, तू बोल क्या पिएगा, चाय या कॉफी? कॉफी ले आते हैं, बैठ। और बताओ तुम्हारे घर में सब कैसा है? एकदम बिंदास, बोलो तो झक्कास। वैसे तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? पेरेंट्स तुमको बहुत याद करते हैं, स्पेशली मम्मी। आंटी जी से मिलने के बाद मैं भी बहुत खुश हुआ। वैसे इतनी एजुकेटेड लेडी मैंने बहुत कम देखा। चलो वैसे कितना अच्छा था वो सब दिन, बोल। हाँ यार मैं भी बहुत मिस करता हूँ, अभी भी सोच के इतना खराब लगता है। पर अबे किस कल में डूबा है तू? एनीवे मैं ना बहुत खुश हूँ, पता है मैं अपना नाम चेंज करके जॉय से जो बना लिया। हाँ वाज अ नाइस नेम। थैंक यू। और बता गर्लफ्रेंड किन्ने बनाया? कॉलेज में सुना था तेरा एक दीवानी थी, वैसे वो कहाँ गया? यार अकॉर्डिंग टू माय हार्ट क्रश को क्रश ही रहने देना चाहिए, वो सब मैं अभी याद भी नहीं करना चाहते हैं। छोड़ ये सब बात छोड़, अभी तू बता तेरा कितना गर्लफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड कहाँ बना पाई यार, कॉलेज में एक लड़की के साथ प्यार हो गया था, फिर ब्रेकअप, फिर सल्लू भाई का एक डायलॉग याद आ गया, तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसे लेकर भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागोगे लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। उसके बाद लाइफ पे फोकस, गोल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लाइफ में लड़की आती है और जाती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना बज रहा? बाप रे रात बहुत हुआ, बात भी बहुत हुआ, तू जल्दी जा फटाफट फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए आज खुद हाथ से खाना बनाऊंगा, बोल तुझे क्या खाना पसंद है? तुझे जो पसंद है वो बना दे। मुझे पता है तुझे क्या पसंद है।
हे जो, मेरा टॉवल देना, टॉवल भूल गया मैं। हाँ दे रहा हूँ। शिट। अरे इतना सारा खाना, इतना सारा खाना तू बनाया? इतना सारा कहाँ बना पाया, इतना ही बनाया। इतना सारा खाना तूने ही बनाया? ऑब्वियसली यार, और कौन बनाएगा। ठीक है, हम चख के देख लेते हैं। हाँ देख कैसा। उतना खराब भी नहीं है, चल जाएगा। हाँ एक सेकेंड, ठीक ठाक का मतलब क्या है? तुझे पता भी है मैं मेरे कॉलोनी का बेस्ट शेफ है, ठीक है? कौन सी कॉलोनी? वो शशि की कुकिंग कला। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मैं वहाँ का बेस्ट शेफ हूँ। हाँ हाँ, तू बेस्ट शेफ है, बट जो भी बोल, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा खाना खाया, मजा आ गया यार। थैंक यू। कॉलेज का वो सब दिन, पिकनिक का वो जो दिन था ना यार, बहुत मिस करते हैं। हाँ यार, हम भी बहुत मिस करते हैं। वाओ नाइस रूम यार। थैंक्स यार। बाय द वे नाइस सोफा यार, क्यों ना आज रात में सोफा में ही सो जाते हूँ। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, तू मेरा गेस्ट है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं सोफे में सो जाता हूँ, तू बेड में सो जा। अरे नहीं नहीं, मैं हर सिचुएशन में कंफर्टेबल हूँ, मैं सोफे में ही सो जाता हूँ। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? तेरे को भी सुबह में सोने की जरूरत नहीं, मेरे को भी सुबह में सोने की जरूरत नहीं, हम लोग बेड पे ही सो जाते हैं, क्या बोलते? I have no problem. यार तू ऐसे ही सोएगा, मतलब अंडरवेयर में? हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही सो जाऊं, तेरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो के आती हूँ। ओके ओके। जो, यहाँ का मौसम मुझे ठीक पसंद नहीं आया। जो, अरे सो गई यार। ओके चल, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट यार।
डू यू लाइक मी? कब से? वो कॉलेज लाइफ का शुरू से। तो इतने सालों से तू मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रीजन दो था। एक तो मुझे पता नहीं था कि तुम स्ट्रेट हो कि नहीं, और दूसरा जिस दिन हम तुमको प्रपोज करने गए थे उस दिन तुम प्रिया को प्रपोज किए थे मेरे आंखों के सामने कॉलेज में, और मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह गया। वो तुम ही थे जो मेरा क्रश हो। बाहों में आओ, सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिद्धार्थ कहाँ गए? सिद्धार्थ कहाँ गए यार? सुबह सुबह सिद्धार्थ कहाँ गए यार? सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ, अरे यहाँ पर भी नहीं है। सिद्धार्थ आ गए? कहाँ गए? शिट, सुबह सुबह इतना। ओ गॉड, आई थिंक कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ। शिट, इश, ये क्या है? फूल, चिट्ठी। हे जो, ज्यादातर कहानियों में एक राजा और एक रानी ही होते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। इसमें दोनों ही राजा हैं। रात में जब तुमने मेरे हाथों को छुआ था तभी मेरे नींद खुल गई। मेरा ये मानना है प्यार कभी जेंडर देख के नहीं होता। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये नारी पुरुष या पुरुष में भी हो सकता है। शायद मेरी बातें तुम्हें समझ आ गई हो। सुबह तुम्हें नींद से उठाने का मन नहीं किया क्योंकि सोते हुए तुम बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। बस दिल किया तो माथे पर एक किस कर दिया। मैं एक ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। आके एक साथ चिल करेंगे। लव यू। Love you, baby. Love you too, baby. साथ रातें लगती हंसी।